का प्यार है झूठा, कर दे सीता को बदनाम, ये संसार है झूठा। ये बेदाग को दाग लगाए, गंगा जल को मदिरा बनाए, अमृत का विष रख देना, ये संसार साची तुम्हारी प्रीत हो राम, जग का प्यार है झूठा। ये दुनिया क्या देगी सहारा, तू ही माझी तू ही किनारा, तू ही मन का मीत हो राम, जग का प्यार है झूठा, कर दे सीता को बदनाम, ये संसार है झूठा। चुप है लता, अभी तक कॉलेज से नहीं लौटी। अभी तो सिर्फ 12 ही बजे हैं। ऐसी कौन सी देर हो गई जो आप इतने परेशान हो रहे हैं? मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, ये बात आज मैं तुम्हें समझाना भी चाहूं, तुम नहीं समझोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि संसार में वही पुत्र भाग्यशाली होता है जो माता पिता की सेवा में अपने प्राण निछावर कर देता है। अच्छा बाबूजी, क्या हमेशा बेटे ही अपने माता पिता की सेवा करते आए हैं? तू जो कहना चाहती है मैं समझ गया। अरे तू कोई मेरी बेटी थोड़ी ही है, तू तो मेरा बेटा रामचंद्र है। शिवनाथ, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे ज्वाला प्रसाद, तुम? नमस्ते चाचा जी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। शिवनाथ, अगर मेरे घर में मंजू जैसी एक बेटी होती तो मैं इस पर से 1000 बेटे निछावर कर देता। देखो ज्वाला प्रसाद, अगर तुम इस तरह की बातें करो तो तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा। आखिर तुम मेरी बेटी लता को क्या समझते हो? शिवनाथ, भूख क्या होती है ये भरे पेट कोई नहीं समझ सकता। कल सुबह मैं इंग्लैंड जा रहा हूं और लता अभी तक घर नहीं लौटी। Thank you.
क्या बहाना सोच कर आई हो? किसी सहेली की बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी? डैडी आप तो ज्यादती करता हूँ, यही ना? अक्सर बच्चे अपने बड़ों की हिदायत को मगर डैडी आज तो मैं यूनिवर्सिटी जो भी तो कॉलेज में ही पढ़ती है। ओ मम्मी आखिर वो चाहते क्या है? मैं भी मंजू की तरह कॉलेज से आकर रोटी बनाऊं, बर्तन मांजू, उनके जूते साफ करूं। इतने दिन यूरोप में रहने के बावजूद भी तुम्हारे डैडी के हालात में कोई फर्क नहीं आया। नॉनसेंस, मंजू का तुम्हारा कोई मुकाबला है भला? सिर्फ एक रात की तो मुसीबत है, कल सुबह वो इंग्लैंड चले ही जाएंगे। अच्छा बाय बाय। ओके ज्वाला प्रसाद। अरे शिवनाथ तुम यहाँ, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी। आती जाती दुनिया है, फिर दोबारा मिलना हो ना हो इसलिए तबीयत नहीं मानी। ऐसा ना कहो शिवनाथ। देखो शिवनाथ एक बात याद रखना, अपना इलाज ठीक से कराना। मैं तो वापस आकर मंजू को सब कुछ बता दूंगा कि तुम उसकी पढ़ाई के खातिर अपना इलाज नहीं करते। पिता स्वर्ग पिता ही परम तप। लड़की तेरी मनोकामना अवश्य पूरी हो। बाबूजी क्या मनोकामना है मेरी? यही एक नया घर नया सुख। जय बाबूजी। अपने घर का कौन सा माल? तो दूध वाला ठीक ही कहता था। इतनी दूध की बोतलें कहाँ से आई तुम्हारे पास? अरे वाह मेम साहब, तुम तो ऐसा पूछ रहे हो जैसे ये सब माल चोरी का था। जी नहीं खरीद का था। दिन भर नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते हो, न खाने का ठिकाना न पहनने का, इतना दूध कहाँ से आता? ओ मेम साहब ऊपर वाले के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो जिसको देना चाहता है ना घर पहुँचा देता है। अच्छी बात। ऊपर वाले से मेरा मतलब तीसरे माले वाले नहीं क्या? इडियट। यू आर वेलकम। मुझे विश करने से कहते हैं कि आप लड़कियों के साथ मुकाबला करते हुए मुझे शर्म आए। मंजू तुम यहाँ? ये रामायण पाठ नहीं, स्पोर्ट्स है स्पोर्ट्स। रेडी वन टू। Yeah!
हेलो लता, आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। देख रहा हूँ कि 8 महीने से एक ही क्लास में पढ़ते हुए मैंने आज तक इसे क्यों नहीं देखा है। ही क्या जो नजर आता, एक फूल, नकली। खुशबू का शौक है तो परखना सीखो। यही तो डर है कि ये पहचान कहीं जिंदगी की सबसे बड़ी भूल न बने। आज तो तुम्हारा टेस्ट बड़ा घटिया होता जा रहा है। कम ऑन, लेट मी एट होम। व्हाट अबाउट योर कार? दैट विल कम। कम कम बैठो। अरे कब तूने जीते हैं? हाँ बाबूजी, मैंने। अच्छा, और लता ने? उसने बाबूजी, आज वो कुछ मूड में नहीं थी, वरना स्पोर्ट्स में से कौन छू सकता है। स्पोर्ट्स तो उसकी लाइफ है। स्पोर्ट्स तुम्हारी लाइफ नहीं है। इंसान को इज्जत इन बेकार चीजों से नहीं बल्कि सोसाइटी में अच्छी जगह हासिल करने से मिलती है। ये मेडल्स, ये कप, ये इनाम तो क्या, इस दुनिया में इज्जत और ईमान जैसी चीजें बिकती है। ये जिंदगी एक दुकानदारी है जिसमें सब कुछ खरीदा जा सकता है, और खरीदने के लिए तुम्हारे पास काफी दौलत है। अगर तुम चाहो एक मंजू तो क्या, 1000 मंजू खरीद कर फेंक सकती। मम्मी, ओ मम्मी। मैं कुछ कहना चाहता था, आपने इस तरह पलट कर देखा, मैं सब कुछ भूल गया। याद आ जाए तो कह दीजिएगा। सुनिए, मिस्टर मिसेस नाथ, मिस्टर मिसेस खन्ना, मिस्टर मिसेस रामपुरी, मिस्टर मिसेस कपूर, और इनसे मिलिए। ये है मिस्टर घनश्याम और ये है मिस्टर गंचा। मियाँ और बीवियों, अब मैं अपना परिचय खुद ही देता हूँ। मैं श्री घनश्याम और यह है शोभा। आज मैंने 10-12 सहेलियों को बुलाया है। क्यों, 10-12 सहेलियों की क्या जरूरत है? नौकरी दिलवाने की खुशी में हम सब आपको पार्टी देना चाहते हैं। अरे वाह, लड़कियाँ मुझे पार्टी देंगी? ये कभी नहीं हो सकता। पार्टी मेरी तरफ से होगी, आप लड़कियों को बुलवा दीजिए। बुला सबको। हाँ हाँ, जेब में तो 10 नहीं पैसे, पार्टी कैसे होगी? अरे वाह, ऊपर हमें मालिक। मंजू कुमारी की मैं लिखूं क्या? डियर राजेश, तुम्हारी किताबों ने मेरी कितनी परेशानियां दूर की हैं जो मैं कह नहीं सकती। तुम्हारे एहसानों ने मुझे हमेशा के लिए खरीद लिया है। बस एक छोटी सी इल्तिजा और है, दुनिया में इज्जत बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम कॉलेज में मुझसे बात करो और मैं बजाय जवाब के तुम्हें थप्पड़ मार दूं तो बुरा ना मानना। मेरे राजेश, 2-4 परेशानियां और हैं जो 100 के नोट से दूर हो सकती है। सॉरी, ज्यादा क्या लिखूं? फक्त तुम्हारी मंजू कुमारी। कौन है बे? अरे यार तू। जी अंदर आ ना। पहले ये बताओ कि तुमने मेरा काम किया कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो रात ही को कर दिया। वेरी गुड। और उसने जवाब भी दिया। ये गनो,
ये ले 100 का नोट। ये 100 का नोट मेरे को क्यों दे रहा है? मैं क्या तेरे चमचा हूँ? अबे तुझे कौन दे रहा है? ये 100 का नोट मंजू को पहुंचा दे। अच्छा क्यों? बेचारी जरा तकलीफ में है। ओ तो उसने मुझसे क्यों नहीं कहा? मैं दे देता। एक ही बात है, पहुंचा दोगे ना? अरे यार तू ऐसा समझ ले कि ये 100 का नोट अपनी जगह पर पहुंच गया। थैंक यू राजा, मैं चलूं? हाँ बाय बाय। तकलीफ ना कीजिए, अपना ही पेट समझ कर खाइए। जेब में फूटी कौड़ी नहीं पर चले आते खाना खाने के लिए। लुट चल लुट। अबे लुट, मैं इसकी हड्डी पत्थरी बराबर किए देता हूँ। सुना है यहाँ के मुर्ग मुसल्लम का जवाब नहीं। कौन सा मुसल्लम? मुर्ग मुसल्लम। तो फिर एक मुसल्लम मंगवा लो। एक क्यों? हमें आएंगे, हमें आएंगे। अरे भाई तुम सबको बुलाते। बॉय 12 मुर्गा मुसल्लम ले आना। तो में क्या होगा? बाप रे! क्या हुआ? कुछ नहीं, बाप याद आ गया। यहाँ की मुर्ग बिरयानी के सामने मुर्ग मुसल्लम कोई चीज नहीं। तुमने यहाँ का मुर्ग मुसल्लम खा के देखा है कभी? तुमने यहाँ की मुर्ग बिरयानी खाई है कभी? अरे झगड़ा क्यों करती हो, मंगवा के देख लेते हैं। बॉय 12 प्लेट मुर्ग बिरयानी ला। मंगवा लिया? अच्छा क्या। माँ! क्या हुआ? कुछ नहीं, माँ याद आ गई। हम तो शाही टुकड़ा खाएंगे। कौन सा टुकड़ा? शाही टुकड़े। बॉय 12 शाही टुकड़े ला। शाही टुकड़े? टुकड़े शाही टुकड़ा। क्या करूँ? 200 क्या करूँ? एक्सक्यूज मी, मेरा एक दोस्त आया हुआ है, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, मैं तशरीफ रख सकता हूँ? शॉप से। शुक्रिया। कल की मैं छोकरनिया 80 साल हुए, ये नजला माटी मिला मेरे सफेद बाल हुए। कल की मैं छोकरनिया 80 साल हुए, नजला सिस्ता है। मुझे मंजूर है। अब आधा क्या करेंगे? तुम्हारी किस्मत का था, तुम्हें मिल गया, तुम ही रख लो, लेकिन चाय का बिल देना पड़ेगा। जरूर दूंगा, जरूर। साथ क्या बोलते हैं? ठीक है, इन साथ का बिल मैं दूंगा। हाँ, डोंट वरी। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। शुक्रिया। चलो। मैं अभी पर मुबारकबाद देने आया हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसकी क्या जरूरत है। मैं तो आपसे कहने आया था कि सारा दिन कॉलेज में पढ़ने के बाद, मेरा मतलब है आप घर जाकर आराम से क्यों नहीं पढ़ते? इसलिए कि मैं इतनी कीमती किताबें खरीद कर नहीं पढ़ सकती। जरा देखो कौन सी किताबें। लीजिए, आराम से देखिए। आज तुम फिर देर से आई? बाबूजी मैं तो लाइब्रेरी में। आज के बाद तुम्हें लाइब्रेरी जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन किताबें?
ये रही तुम्हारी किताबें बाबूजी। सेवा हो रही थी उस घनश्याम की, रोज हमारा दूध चुराता है। दूध? अपनी खैर मनाइए मैम साहब, दूध तो बड़ी मामूली चीज है। बहुत देखे उस जैसे। शेर को सवा से। अबे तू? हाँ यार, मगर घनो इस हालत में तू कहां से आ रहा है? मैं यार मैं जरा कसरत करके आ रहा हूं। लेकिन ये क्या है? हाँ हाँ हाँ, मस्का? ये मस्का गलत जगह पर क्यों भाई? ये तुम्हारी फ्रंटियर मेल की मेहरबानी। लेकिन प्यारे ये तो बताओ कितनी सुबह सुबह तुम यहाँ कैसे चले? यार लता ने कहा कि तू अभी तक यहाँ है, बस अपना दिल नहीं माना। वाह 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 वाह, तू ही मेरा एक सच्चा दोस्त है। मैं तो समझा था कॉलेज के सब दोस्त मुझे भूल गए। अब बता मैं तेरी क्या खातिर करूँ? इस वक्त तू अपनी कमीज ले, बाकी फिर देखेंगे। बस इतनी सी बात। इसीलिए तेरा दिल नहीं माना? मैं सोच रहा हूँ कि मुझसे इतना प्यार कब से हो गया। अब साफ साफ बता व्हाट इज द चक्कर? चक्कर तो प्यारे ये भी कसरत वाला ही है। हाँ दरअसल मैं उसे ये किताबें देना चाहता हूँ। ये नई किताबें? हाँ तू जानता है उसे? नहीं। तू किसकी बात कर रहा था? मंजू की। वो अपनी मंजू? हाँ। अरे यार उसे मैं आज से थोड़ी जमाने से जानता हूँ, मेरा तो आजकल उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसी के साथ चला। वेरी गुड। घनू कब पहुंचाएगा ये किताब? आज अभी इसी वक्त। थैंक यू, लेकिन जरा ध्यान से पहुंचाना, इनकार ना कर दे। कैसी बात कर रहा है यार तू, समझ ले ये किताब मेरी हाथ में नहीं बल्कि उसकी गोद में। अच्छा तो फिर मैं चलूं? थक ही सक। दिन ढल जाए हाय, रात ना यहाँ पर नई और पुरानी किताबें खरीद। दिन ढल जाए हाय। ये तीन किताबों का क्या दोगे? 60 रुपए दे सकता हूँ। भैया तुम 50 भी कहते तो भी चलता। ला था एक पैंट, एक बुशर्ट और दो अंडरवेयर। भैया ईमानदार, ये क्या? माफ करना भैया, मैं अपनी किताबें देकर तुम्हारी ले जा रहा था। अरे वाह, माफ करना। दिन ढल जाए हाय तेरा। आज आप लाइब्रेरी नहीं जाएंगी? जी नहीं, अब मैं वो किताबें घर जाकर आराम से पढ़ सकती हूँ। तो आपको मिल गई वो किताबें? अजीब सवाल करते हैं, कौन देगा? वही जो मुझे अपना समझता है। अपना? आप उसे? मैं उनके लिए अपनी जान भी निछावर कर। जान सब काम जान मेरी जान। यार मुझसे गलती होगी, माफ कर दो। अबे तूने वो गलती किया, वो गलती किया तो मैं जिंदगी भर मेरा एहसान नहीं भूलूंगा। हाँ मैंने मंजू से किताबों के बारे में पूछा। हाँ यार वो किताब तो मैंने मैं जानता हूँ, वो किताबें तूने उसको पहुंचा दी। पहुंच गई? हाँ। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। यार अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। किसको कह रहा है? नहीं, मैं तो अपने हाथ में कह रहा था। लाइए भी पहुंचा दूंगा। नहीं ये तो मेरे कोर्स की किताब है, हाँ, मैं उससे खुद ही बात कर लूंगा। नहीं मैं पहुंचा दूंगा खत। लिख के? हाँ अच्छा मैं लिख देता हूँ। गन्ना इसको पहुंचा दे। हाँ जरूर पहुंचा देना।
क्यू में बैठिए। कृपा शंकर। आप कहाँ जा रहे हैं? पहले कृपा बाद में शंकर। मेरा नाम कृपा शंकर है। ओ, वो तो मेरा भी नाम कृपा है, बाप का नाम शंकर था। क्यों भाई साहब, पहले कृपा जाएगा या शंकर? पहले कृपा बाद में शंकर। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरा सर्टिफिकेट। चल हम अकेले को नौकरी नहीं देता, पति पत्नी दोनों को साथ नौकरी देता जी। पति पत्नी मुझे तो पहले ही मालूम था, इसलिए मैं अपनी पत्नी को ले आया। अच्छा जवाब दो ना मां। आपका जो प्रेम पत्र में लिखा हुआ। प्रेम पत्र? डियर राजेश। नहीं नहीं, फकत तुम्हारी मंजू कुमार। योर नेम? किसने लिखा ये खत? आप? मैंने? मैंने कोई खत नहीं लिखा। वाह वाह वाह, अभी आप कहेंगे वो किताबें भी आपको नहीं मिली, वो 100 का नोट भी आपको नहीं मिला। किसने मंगवाया 100 से? किसने दी है किताबें? धन्नो। कौन धन्नो? घनश्याम, जो आपके घर के सामने ऊपर रहता है, जिसका धर्म दूसरों की सेवा करना है। वो चूर चूर तो बनाया है उसने आपको। तो ये खत आपने मिली? जी नहीं। तो आइए मैं साहब घनश्याम के पास। चलिए आइए। चलिए धन्नो। अरे अरे राजेश, क्या वक्त पर आया यार। क्यों? यार तेरा ही इंतजार था। क्या हुआ? बहुत एक जरूरी खबर देनी थी यार। हाँ। यार वो क्या नाम है वो महिला? मंजू। हाँ मंजू, वो बहुत सख्त बीमार है। हाँ? तो फिर किया क्या जाए? कर क्या सकते हैं यार, लोगों ने मोहब्बत में अपनी जानें दे दी। लेकिन डार्लिंग तू जरा इसका ख्याल रखना, गरीब मंजू। हाँ, हाँ, बिचारी दिन रात सोते उठते बैठते जाते हर वक्त तेरे ही नाम की माला जपते रहती है। सच? ये तो ये डार्लिंग बल्कि 124 डिग्री बुखार में हाय माँ, हाय माँ की जगह हाय राजेश, हाय राजेश। यार तू सच कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ पागल लड़की यार। तो आपने मुझे किताबें ना कर दी? किताबें तो बिक गई। मैंने आपसे 100 रुपए मंगवाए थे। वो 100 रुपए की तो पट्टियों को पार्टी दी गई। मेरी दुकान पर सिर्फ एक नाम है राजेश। राजेश? नहीं तो हो जाएगा क्यों राजेश? और कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं। घनश्याम तो है ही ऐसा, लेकिन आपको क्या मजबूरी थी जो आप उसकी बातों में आ गए? थी एक मजबूरी। तो नौबत यहाँ तक आप पहुँची है? मालूम होता है बड़ा दुख हुआ तुम्हें। जान बुझ कर कोई गंदे नाले का पानी पिए तो दोस्त जरूर होगा। हो सकता है तुम जिसे गंदे नाले का पानी समझ रही हो वो गंगा जल हो। गंगा जल और गंदे नाले के पानी में क्या फर्क होता है वो एक न एक दिन मालूम हो जाए। सुनो, कल मेरी बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना? श्योर। Thank you.
सुनाऊंगी तो और कौन सुनाएगा, बोल क्या सुनेगी? ठुमरी चप्पा ख्याल तोड़ी। मैंने हैप्पी रिटर्न सर्टिफिकेट ला था। थैंक यू। मेरा हार, मेरा हार। क्या हुआ? किसने मेरा नेकलेस निकाल लिया? निकाल लिया? मैं किसके पास बैठी थी? मंजू, ये नहीं चाहती हूँ मीन। तुम चाहो मेरे पर्स की तलाशी ले सकती हो। मंजू के अलावा तो तुम चाहो तो मेरी भी तलाशी ले सकती हो। जॉन बीच से ले। मंजू ऐसा काम नहीं कर सकती। लेट मी सी। ये रहा मेरा हार। ये बिल्कुल झूठ है, मैंने हार नहीं चुराया। तुम ही फैसला करो राजेश, अगर ये हार इसने नहीं चुराया तो क्या उड़ के इसके पर्स में आ गया? मैं सच कहती हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तुम पर भरोसा तो आज मुझे लोगों के सामने जलील होना पड़ा। लोग क्या समझेंगे कि तुम जैसे चोर लड़की मेरी सही है? निकाल दो इसे झटके मार। ये काम मैं करूंगा। ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? मेरे पापा ने दिया। लता, तुम्हारे पास ऐसा हार था? बिल्कुल नहीं, ये हार तो मैंने पहली बार देखा है। अगर ये हार तुमने पहली बार देखा है तो फिर इस तस्वीर में तुम ये हार कैसे पहने हुए? मतलब साफ है, एक शरीफ लड़की को जलील करने के लिए तुम दोनों की ये मिली भगत। बहुत बहुत शुक्रिया लता, तुमने मुझे जल्द बता दिया कि गंगा जल और गंदे नाले के पानी में क्या फर्क होता है। गंगा जल, गंगा जल या गंदा जल? लो हिमायती भी आ गए। ये कौन से साठ मार रहा है? रात पार्टी में हम ना हुए वरना वरना। इंडिया की एक ही पॉलिसी है, अमन शांति पीस, जैसे दुनिया आज भी मानती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड
सदते हो, किसी पर ये कहा मुमकिन था, तुमने मुझ पर मेरा दिल लेकिन आयत की है, मैंने है जाने वफा तुमसे मोहब्बत की है। बीवी को तो उल्टियां हो रही हैं, वो तो गर्भवती है। गर्भवती? हाँ, तुम अगर चाहो तो इस ऑफिस से आज 100 रुपए ले सकते हो। वो कैसे? यहाँ का कायदा है कि जिसकी बीवी गर्भवती हो उसको 100 रुपया अलाउंस मिलता है। अरे हो, अरे हो, तुम का दुखा मर भी हाथ हो। क्या है जी? वो मेरी औरत को उल्टी होती है। उल्टी होती? हाँ सर, उसने उसने खट्टा खाना भी शुरू कर दिया। ओ, समझा, संतान। हाँ सर, 100 रुपया अलाउंस मिले, जाओ उसको बुला के ला। क्यों सर, उसको क्यों बुलाने का? मैंने आपसे कहा था ना कि वो एक सती नारी है। मैंने आपको कहा था ना, नया जमाना है, उसको पूछे बिना नहीं दूंगा। जाओ बुला के लाओ। लेकिन सर, एक बाप माँ को बुला दी। तुमको मैनेजर साहब ने बुलाया है। क्यों? उनकी बीवी गर्भवती है ना, तो तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। उनसे? इसमें डरने की क्या बात है, जो भी कहता है हाँ हाँ कहना। अरे चलो ना, चलो। वो आ गए। शोभा, जब पाँव भारी होता है तब उल्टियां आती है ना? आती। देखा, आती। मगर कितने महीने? ना 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 ना, शोभा, जहाँ काम करते हो कितने महीने? 5 महीने। 5 महीने पूछना है और क्या पूछना है? शोभा तुम जाओ, मैं आता हूँ। सवाल से जाना। क्यों? कुछ नहीं, तुम बच्ची है राजा। क्या जी, तुम घर का काम करके ऑफिस का काम करती ना जी? हाँ हाँ, घर का काम करती, ऑफिस का काम करती, कौन सा तीर मारती? हमारा 2 बच्चा है। हाँ, तुमको 2 बच्चा है, इसको भी बच्चा होने वाला। हाँ। क्या जी, तुम गर्भवती है ना? गर्भवती जी ने? तुम्हारे पति ने बोला ना जी? मेरा पति? हाँ, घनश्याम ने बोला ना जी, तुम भी खुद बोला ना जी, हमारे पैर भारी हो गए, अमली खाने को खट्टा खाने को दिल होता, उल्टी आती और 5 महीने हो गए। वो तो आपकी बीवी के लिए कहा था। मेरे बीवी के लिए? क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अजी गंजा ने खुद बोला जी, हमारी पत्नी है, है? हमको धोखा दिया, हमको फंसाया गया जी। बुलाओ घनश्याम को। ठहरिए, उसने धोखा आपको नहीं मुझे दिया, मैं पूछ लेती हूँ। मैं पूछताछ नहीं जाता, आप इसके भाजी को जाओ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, मैंने उनकी बीवी को समझा दिया, वो इतने खुश हुए, बोले आज तुम्हें छुट्टी।
चलो कहीं सैर करने चले है? चलो ना है? चलो आप लोग मुझे यहाँ ले आए, क्या इरादा है? आपकी सेवा। देखिए ना, मैंने अपनी सहेलियों को भी बुला लिया। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। देवी शोभा लेखा, सेवा करना तो मैंने अपना धर्म बना लिया है। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? पत्नी नहीं तो बन जाएंगी। क्या? मैं गर्भवती हूँ, मेरे पाँव भारी है। पत्नी बनेगी तो पाँव तो भारी होगा। रस्म लेने वालों के सामने भी पूरी हो सके। ठीक है, बेटी आज होली है ना?
अच्छा अच्छा बेटा, ये तुम्हारे पिता हैं, इनके पेट में कैंसर है। इस मर्ज को इतना छुपाया गया है कि आंतें तक गल चुकी हैं। इनके लिए रेडियम थेरेपी ट्रीटमेंट और ऑपरेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर ऑपरेशन जल्दी ना हुआ तो मरीज को किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस ऑपरेशन के लिए दवा और ऑपरेशन के लिए कम से कम 5,000 रुपया खर्च होगा। तू इतने रुपए का इंतजाम कहां से करेगी? जरूर करूंगी। याद है बाबूजी, आपने एक दिन हंसी हंसी में कहा था, तू मेरी बेटी थोड़ी है, तू तो मेरा बेटा रामचंद्र है, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? राजेश बाबू से। वो तो अभी अभी माधु गुलाने गांव चले गए। सीरियस, कल सुबह भार्गवा को बुलाना पड़ेगा। रुपए कोई मामूली रकम नहीं है, जो दान समझकर दे दीजिए। कुछ भी समझकर दे दीजिए, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझ पर दया कीजिए चाची जी, मुझ पर दया कीजिए। परेशान मत करो। तुम्हें 5,000 रुपए चाहिए और उसके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार हो? सब कुछ चाची, सब कुछ। सोच, अच्छी तरह सोच। इसमें सोचने की क्या बात है? यही है। रहे 5,000 रुपए। ये किसका बच्चा है? तुम्हारा। मेरा? हाँ।
इसके बाद दुनिया यही समझे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया। ये सौदा है मंजू, अगर 5,000 रुपए चाहिए तो तुम्हें इस बच्चे की माँ बनना पड़ेगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह सोचने का मौका देती हूँ। एक तरफ ये रुपया है जो तुम्हारे बाबूजी की जिंदगी बचा सकता है, और दूसरी तरफ ये बच्चा जो तुम्हारा सुख चैन तुमसे छीन सकता है। दोनों में से तुम जिसे चाहो चुन लो, फैसला मैं तुम पर छोड़ूं। शादी हो जाए और इस वचन को तुम निभा ना सको तो मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी चाची। वचन चाची जी, ताप पाकर लोहा कर सकता है, मेरा वचन नहीं। सुनो, वक्त आने पर बच्चा तुम्हें सौंप दिया जाएगा। तुम्हारे माथे पे जो कलंक था वो मिट चुका है। कैसे? थोड़ी देर पहले तुम्हारा बच्चा क्या हुआ? मर गया। आपके बाबूजी का ऑपरेशन तो बहुत पहले होना चाहिए था। डॉक्टर शाह से कहिए मैं ऑपरेशन का 9:30 बजे करूंगा। ऑपरेशन की 3,500 रुपए। चल भाई। ये दवाइयां फौरन ले आएंगे।
अंजू क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मां, बड़ा अजीब सपना देखा मैंने। ऐसा लगा जैसे मंजू पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है। पगला कहीं का, सपनों की बातों पर वो विश्वास करता है भला? सो जा। है मंजू, आज से बाद फिर कभी पुरानी दुनिया में आने की कोशिश मत करना, समझी ना? लो। माफ करना भगवान, मैं डर के मारे फिर गया।
तुम चाहो तो अभी तलाक ले लो। मंजू की भी दिवाली आ गई। तो क्या मंजू के पिताजी? और दूसरे ही दिन वो ताला जो तुम्हारे अकल पर पड़ गया था दरवाजे पर लगाकर वो भी चली गई। तो क्या मंजू के कभी नहीं आएगी? कभी नहीं। मंजू को साथ नहीं लाया? उसके पिताजी का देहांत हो गया मां। हे राम। और दूसरे दिन मंजू भी ना जाने कहां चली गई। चली गई? हाँ। राजेश, मैंने तो बरसों का अंधेरा दूर करने के लिए आरती का दिया जलाया था। क्या यह दिया मुझे अपने हाथों से बुझाना पड़ेगा? तू चिंता मत कर, आरती का दिया बुझने से पहले मैं मंजू को ढूंढ के ले आऊंगा। वो कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ के ले आऊंगा। मां, पिताजी का नाम? क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? राजेश कुमार। मिल गई नौकरी? नहीं, और ना अब मैं नौकरी के लिए अपनी जान देने को तैयार। दान दहेज में जो रुपया पैसा मिला था वो तो तुम बैठ के खा गए। अब ये चार चीजें बची है वो भी बेचने का इरादा है क्या? घर का खर्चा कैसे चलेगा? चलेगा। कैसे? आज तक तुम काम करोगी। मैं काम करूंगी? हाँ। घर कौन संभालेगा? मैं। तुम घर संभालोगे? घर संभालना इतना आसान है क्या? अरे तुम घर में बैठ के करती क्या हो? चूल्हे के सामने बैठ के थोड़ी सी हंडी चला ली, या ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ के थोड़ा सा श्रृंगार किया और मर्द को बेवकूफ बना लिया। और ये बेचारे मर्द भरी धूप में कड़कती बरसात में उल्लू की तरह जूते चखाते फिरते रहते। ये तो दुनिया की रीत, मर्द काम करे और औरत घर संभाले। तो देवी, मैं इस रीत को बदल दूंगा। कैसे? आज से तुम काम करोगी और मैं घर संभालूंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, एकदम आखिरी फैसला। संभालो, कल से मैं नौकरी करूंगी और तुम घर संभालो। कितनी देर लगती है चाय बनाने में? अरे मेरा भाई, तो मेरा भाई, तो मेरा। हाँ 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 हाँ। घर का काम संभालो या बच्चों को देखो? ना 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 मेरा लाल, मेरा लाल। ये लो जी चाय पियो। मालूम होता जैसे चाय नहीं दवा पी हो। यूं क्यों नहीं कहते कि दिल भर गया है मुझसे तुम्हारा?
देखो जी, अगर ऐसी बात है ना तो कर लो दूसरी शादी, छोड़ दो मुझे। फिर तुम्हारा क्या होगा? मैं अपने भाग के सहारे जी लूंगा। अच्छा गन्नू, अरसा हो गया तुम्हें घर संभालते, तुम्हारा जी नहीं उठता था? जी उठता तो मैं वो तो सोचूंगा, पत्नी सेवा तो मेरा धर्म है। अब तो इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। साढ़े नौ बज गए, मैं ऑफिस का टाइम हो गया, जल्दी करो। क्या करूं, तुम क्या ऑफिस जाएंगे, टाइम हो गया। करो तुम तो करना। आज जल्दी प्रेस करो। छोटा सा देखो ये संसार है, गरम गरम चपातियां हैं, जल्दी खा लीजिए। वो खाइए ना, तीन तड़के की दाल। छोटा सा देखो ये, जीने की सजा देकर कहाँ चली गई? बीते हुए कल के पीछे दौड़ने वाले बुद्धू, आज को अपने सीने से लगा ले। मजाक उड़ाने आई हो मेरा? खेल ले, ले मर्द गुलाल, खेल ले होली। लता, क्या तुम्हें पागल हो गए हो? हाँ हाँ मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया, तुम चली जाओ यहाँ से।
राजेश बेटा, राजेश बर्थडे, किसी की मैरिज एनिवर्सरी या मम्मी ऐसी कौन सी रात गुजरेगी जो अभी परेशान हो? तुम शराब पीकर आई हो? मम्मी ये शराब पीना आज दिन में सबसे पाप हो गया और ये पाप सकते। और अगर मैं तुम्हारा साथ देने से इनकार कर दूं तो? So what? मम्मी, इस दुनिया में इज्जत और ईमान जैसी चीजें बिकती है। जिंदगी एक दुकानदारी है मम्मी, जहाँ सब कुछ खरीदा जाता है और खरीदने के लिए मेरे पास काफी डॉलर है। मरो जी भर कर तमाचे मारो मेरे ऊपर, मगर याद रखो मैं अपना रवैया ना बदला तो तुम्हारे लिए इस घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मम्मी मम्मी आर यू सोते ओके ओके मम्मी एक अच्छी बेटी की तरह मैं आज से बाप को कहना मानते आई हूँ। नाजुक हो भोला हो मैं कमसिन हूँ, नाजुक हो नाजुक हूँ। ए जी कितनी देर कर दी? मैं कम से आए रे मैं तो प्रेम दीवाना मेरा दर्द न जाने कोई लागी मोरी जान वही जिसके लगे होए जिसके लगे होए के होए हाय रे मैं तो मीठे सुरों में लोरी गाऊं ललना सुरों में लोरी गाऊं ललना को बहलाऊं चूल्हा चक्की हो
जाने वही लागी मोरी जाने वही जिसके लगे होए जिसके लगे होए जिसके लगे होए हाय रे मैं तो जिसके लगे होए जिसके लगे होए जिसके लगे होए हाय रे मैं तो प्रेम दीवाना मेरा दर्द न जाने को निर्दयी निर्दयी राजेश यार ये हालत क्या बना रखी है तुमने मंजू से जाकर पूछ आजकल सिल्वर पर रहती है वो सिल्वर बीच वरना मैं तुझे भी मुझे क्या करोगे मेरी गर्दन हिलती है तो ये मत समझना कि मेरा हाथ नहीं उठता हट वापस आया हूं कैसी तबीयत है चलो घर चले बेटी तुम्हारे बारे में लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा लेकिन दुनिया कुछ भी कहे मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती ये बात दूसरी है कि नादानी में तुमने किसी गलत आदमी का हाथ थाम लिया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बहन एक बार मुन्ने के पिताजी का पता बता दो फिर देखो वो तुम्हें भी नहीं जानता इस वक्त उसके जानने की जरूरत भी नहीं है चलो बेटी चलो ताकि मां क्यों जाओ कहीं ना मंजू को देखकर बेचारे मंजू के साथ जो कुछ हुआ मुझे मालूम हो चुका है गंगा के समान पवित्र ये लड़की लोग जिसकी पवित्रता की सौगंध खा सकते इतना बड़ा अत्याचार चाची जी मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई और न मैंने किसी को कुछ बताया मैं बता कैसे सकती हूँ मैंने अपने बाबूजी की सौगंध खाई है बोलिए चाची जी आपको मुझ पर भरोसा है ना ये ना चाची जी आप बोलती क्यों नहीं एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से न सिर्फ ही अपनी आवाज खो बैठी बल्कि चलने फिरने से भी मजबूर हो गई मंजू क्या फिर तुम हमें छोड़कर चली जाओगी अच्छा मेरी बात छोड़ो क्या तुम अपनी चाची को ऐसी हालत में छोड़कर जाना चाहोगी मंजू तुम्हारी चाची को इस वक्त तुम्हारी ही जैसी बेटी की जरूरत है और फिर इन्होंने तुम्हें हमेशा मां का प्यार दिया है
बेटी का प्यार नहीं लोगी? बोलो मच्छू। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लो ये चाबियां लो और जाकर अपना घर संभालो। जब जब नटखट किधर? देखो बेटा, ये तुम्हारी नानी है। तुम नानी हो? जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा मिला। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली की मां। मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूं बेटी। कहिए। तुम एक बच्चे की मां हो? जी। तुम इस बच्चे के बाप का इंतजार भी है? जी नहीं। फिर मैं तुमसे एक भीख मांगने आई हूं, मुझे निराश तो ना करोगी? ऐसा मत कहिए माँ जी, आज्ञा दीजिए। तुम राजेश से शादी करोगी? बोलो, तुम्हें मेरे घर की बहू बनना मंजूर है ना?
माँ जी, मुझे इतने बड़े सुख का लालच मत दीजिए। ये लालच नहीं है बेटी, मेरी बात मान लो, मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा, तुम्हारे जीवन के सारे कलंक धुल जाएंगे। बोलो, मंजूर है ना? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बेटे का जीवन दान समझकर लौटा दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ जी, मुझे इस जीवन में जन्म जन्म के पापों का प्रायश्चित जो करना है। पापों का प्रायश्चित पापों से? ये तुम जैसी लड़की ही कर सकती है। याद रखना मंजू, तो बस एक की नहीं तो इंसानों की हत्या पड़ेगी, उसके गम में घुल घुल कर मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे गम में तड़प तड़प कर वो मर जाएगा। मेरे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रुपए 420 आदमी ये क्या भोर भय पनघट में जाऊं गागर भर भर लाऊं और तुम यह गागर पर गागर उलट रही हो। मैं क्या करूं, मैं बाहर काम करूंगी तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मरद जाग उठा, निकाल ले टोपी। ये क्या कर रहे हो? ये लो साली पहनो और खबरदार तो कभी घर से बाहर कदम निकाला। मैं बाहर नहीं जाऊं, नौकरी कौन करेगा? मैं। बेटी, अगर तुम्हें इनमें से कोई लड़का पसंद नहीं है तो अपनी पसंद बताओ। अगर आप मेरी पसंद जानना ही चाहते हैं तो एक ही घराना है। कौन सा? वो लोग नेपेंसी रोड रहते हैं, लड़के का नाम राजेश है। जी, लेकिन मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी, मुझे क्षमा कर। आप मेरे पिता समान हैं, आपकी सेवा तो मेरा सबसे बड़ा सुख है। अच्छा मंजू, राजेश से तुम्हारे कैसे ताल्लुकात हैं? जी मेरा मतलब है, तुम दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे ना? बस तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा मंजू। मैं चाहता हूं लता की शादी राजेश से हो जाए। देखो बेटी, दिया ना बुझ जाए। दिया तो बुझ भी गया चाचा जी। खैर कोई बात नहीं, अब राजेश को मनाना तुम्हारा काम है। तुम उसके घर जाओगी ना? जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। क्या बात है? कुछ नहीं चाचा जी। एक सवाल ने कई बार मेरे कदम रोके, मगर यकीन करोगे तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम्हें पा भी तो नहीं सकता। तुम इस वक्त चले जाओ, अगर कोई आ गया तो? कौन आएगा? बच्चे का बाप या कोई और भी आता है रात को? राजेश,
एहसान किए हैं तुमने मुझ पर, एक आखिरी एहसान और करो। क्या? एक झूठ और बोलो, एक फरेब और दो, कहो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, कहो कि तुमने मेरे सिवा किसी को नहीं अपनाया, कहो मंजू, कहो। कहो मंजू। सिर्फ एक बार मैं इसी झूठ को अपना सहारा बना लूंगा। बोलो मंजू, बोलो मंजू, बोलो। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। मुझे अपनी कसम मत दो, मत मुझे अपनी कसम। बताती हूँ, बताती हूँ, ये बच्चा, ये बच्चा। बच्चा मेरा है, मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। ये बच्चा मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। यहाँ होगा ही क्या? आज नहीं तो कल तुम्हारा दरवाजा खरीदारों के लिए खुलेगा। यहाँ रेशमी गद्दे बिछेंगे, बनाओ सिंगार होगा। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर ना जाने कितने सोने चांदी के सिक्कों की खनक तुम्हारी पायल की झंकार में खोकर रह जाएगी। और तुम एक एक को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे जैसे कभी मुझे दिलाया था। बस करो राजेश, बस करो, बस करो। अपना अपना नसीब है मंजू, एक तुम हो ठुकरा के जीत गई, एक मैं हूं कि अपना के हार गया। मैं हार गया, मैं हार गया। शादी ना करूं, मैंने आज तक तुम्हारे इशारों पर नाचने के सिवा और किया ही क्या है? तुमने अपना कहा, मैं अपना समझ बैठा। तुमने झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाया, मैंने विश्वास कर लिया। तुम गैर समझकर चली गई, मैं इंतजार करता रहा, फिर एक दिन मिली और ये फैसला सुना दिया। जाओ जिंदगी के अंधेरों को सीने से लगाकर उस भरोसे की, उस मोहब्बत की सजा भुगतो जो मैंने तुम्हें दी। मंजू, मंजू, मैं वो भी कर रहा था कि आज तुम ये मनवाने चली आई कि मरो, लेकिन आसानी से नहीं, दम तोड़ो लेकिन सिसक सिसक कर। राजेश,
राजेश, राजेश मेरा विश्वास है कि तुम लता से शादी करके इस गम को भूल जाओगे। क्या यही समझकर तुमने किसी गैर का हाथ थाम लिया? मैंने जो कुछ भी किया उसे दोहराने से क्या फायदा? तो फिर मुझसे इतनी हमदर्दी जताने क्यों आई हो? मान लो मेरी बात, कर लो लता से शादी। नहीं, मैं तुम्हें प्यार का वास्ता देती हूँ राजेश। प्यार? हाँ, मैं तुम्हें उस प्यार का वास्ता देती हूँ जो तुमने मुझे दिया। मंजू, नहीं नहीं, इतना बड़ा इम्तिहान मत लो, मत लो इतना बड़ा इम्तिहान। राजेश, धोखा मैंने तुम्हें दिया, बेवफाई मैंने तुमसे की, इसकी सजा तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, मुझे। ऐसा कर भी लूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? और तुम्हें जीने का बहाना। क्या करूंगा मैं जीकर? पर उतर आई हो तुम? सुना तो डायन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन तुम अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। चाची जी, लता ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो तो आपको। खामोश, नीच पत्ता कुल्टा, मुंह गला कर यहां से। राजेश, मुझे तुम्हारी मां से कुछ जरूरी बात करनी है। आप शादी की तैयारी कीजिए, मंजू मुझसे बात कर चुकी है। तो क्या तुम उन्हें भी इसी तरह छोड़कर चली जाती? मैं जो मेरी प्रार्थना है, जहां तुमने इतना कुछ किया वहां लता का हाथ अपने सामने राजेश के हाथ में देती जाओ। मंजू, क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी न करोगी? राजेश की पसंद को तुमसे ज्यादा कौन जानता है? क्या तुम मेरी इतनी सही करोगी?
अजीब जुआ है। एक गलत चाल में इंसान हारी हुई बाजी जीत लेता है और जीती हुई बाजी हार देता है। अरे चलो तुम चलो, लोगों की आंखें तुम्हें देखने को तरस रही है, चलो तो चलो चलो। मेरे साथ नहीं चलोगी? Thank you.
लता, लता, मेरी बच्ची, सवाल के, जाओ, नहीं, जाओ, लता. इसे तो मरना ही था, नहीं तो मुझे कैसे मालूम होता कि ऊपर भी कोई देखने वाला है. ताकि माँ, मुझे माँ कहते हो, मैं माँ होती तो इसे रामायण सुनाती, गीता सुनाती, दौलत के घमंड में इसे कभी ना सिखाती. ये दुनिया में इज्जत और ईमान जैसी चीजें बिकती हैं. इंसान को इज्जत सोसाइटी में ऊंची जगह हासिल करने से मिलती है. आगे लिए मंजू जैसी अनगिनत बेटियां बदनामी का बोझ उठाए सिसक सिसक कर दम तोड़ती रहेंगी. चाची जी, ये तेरा दूसरा एहसान होगा बेटी. अगर आज मैं चुप रही तो इसकी आत्मा को हर मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. आज मुझे सबके सामने कहने दे कि ये बच्चा तेरा नहीं, लता का है. लता का? हाँ, लता का. इसका सिर्फ इतना दोष है कि इसने अपने बीमार बाप को बचाने के लिए मुझसे 5,000 रुपए की भीख मांगी और मैंने इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर अपने बेटी के माथे का कलंक इसके माथे पर लगा दिया. मंजू निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष. जान में भी दाग है लेकिन ये मासूम बेदाग है. कमाल हो गया.